शहडोल भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, जो अपनी पर्वत श्रृंखलाओं एवं खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प स्थलों में होती है। न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शहडोल सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। शहडोल जिला दक्कन पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह सतपुड़ा रेंज और मेकल रेंज के ट्राई जंक्शन पर बसा हुआ है, जो झारखंड में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। इन पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में सोन और उसके सहायक नदियों की सकरी घाटी भी देखने को मिलती है। शहडोल जिला मुख्य रूप से पहाड़ी जिला माना जाता है। यहाँ जिला कैमूर और मेकल पर्वत के मिलन बिंदु पर बसा हुआ है। शहडोल को महाभारत काल में विराट नगर के नाम से जाना जाता था। शहडोल जिले में अशोककालीन सारो मारो अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। इसी जिले में पांडवकालीन लकबारिया की गुफाएं भी स्थित है। पाताल तोड़ अर्जुन कुंड शहडोल जिले में बानगंगा नामक स्थान पर स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला शहडोल जिला ही है। इस जिले के सुहागपुर में बानगंगा मेले का आयोजन किया जाता है। शहडोल जिले में क्षीर सागर नामक स्थान पर जोहिला व मुन्ना नदी का संगम होता है। शहडोल जिले का सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला खदान भी यहीं पर देखने को मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोलबेड मीथेन के भंडार इसी जिले से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, इंडियन आर्मी से या आईफोन से? अगर आप इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शहडोल जिला अपने खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध है। इस जिले में मुख्यतः कोयला, अग्नि, मिट्टी, गेरू और संगमरमर पाए जाते हैं। शहडोल जिला मध्य प्रदेश का इकलौता यूरेनियम उत्पादक जिला भी माना जाता है। दोस्तों, इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह शहर प्राचीन काल में चेदी और कलचूरी राजाओं का राजधानी शहर हुआ करता था, जिसको सुहागपुर के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि शहर का नाम शहडोल इस क्षेत्र में पाए जाने वाले तालाबों के कारण पड़ा है। इस शहर की स्थापना बघेल राजा सुहाग देव ने की थी। गोंडों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले इस जिले पर चेदी और कलचूरियों का शासन हुआ करता था। इसके अलावा कहा जाता है कि महान राजा विराट के नाम पर इसका पुराना नाम मत्स्य राज या विराट साम्राज्य हुआ करता था। इस जिले का गठन 1959 में किया गया था। यह जिला पूर्व से पश्चिम की ओर 110 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 170 किलोमीटर तक फैला हुआ है। शहडोल जिले की अमलाई में निजी क्षेत्र की ओरिएंटल पेपर मिल स्थित है, जो बिल्डा समूह द्वारा 1965 में स्थापित की गई थी। वर्ष 1998 में देश के पहले किन्नर विधायक शबनम मौसी इसी जिले से निर्वाचित हुई थी। शहडोल जिला एवं सीधी जिले की सीमा पर सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य भी बनाया गया है। शहडोल जिला दक्कन पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ शहर समुद्र तल से 464 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तथा इसकी औसत वर्षा 1100 मिलीमीटर है। शहडोल शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 925 किलोमीटर दूर है तथा भोपाल से इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। दोस्तों, शहडोल जिला प्राकृतिक सुंदरता, पुराने ऐतिहासिक शहर, आधुनिक शहरी नियोजन का आकर्षक संगम है। शहडोल जिले की सीमा पूर्व में छत्तीसगढ़ के कोरिया, पश्चिम में उमरिया, उत्तर में सतना एवं सीधी तथा दक्षिण में अनूपपुर और बिलासपुर जिले से लगती है। शहडोल शहर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ जिला शहडोल मंडल के अंतर्गत आता है। शहडोल जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 6205 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार शहडोल जिले की आबादी 10,66,068 है। शहडोल जिले की साक्षरता दर 66.7% है तथा जिले का जनसंख्या घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शहडोल जिले को 5 उपखंडों और 6 तहसीलों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे विराट मंदिर शहडोल। यह शहडोल शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर शहडोल में सुहागपुर में स्थित है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों में सुंदर मूर्तिकला देखने को मिलती है। यह मंदिर 11वीं सदी में बना हुआ था। मंदिर कलचूरीकालीन मंदिर है। इस मंदिर में गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप, महामंडप आदि देखने को मिलता है। इस मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा देखने को मिलता है। इस मंदिर की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की जाती है। इस मंदिर को विराटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचूरीकालीन राजा महाराजा युवराज देव जी ने करवाया था। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। बूढ़ी माता मंदिर शहडोल। यह शहडोल शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर माँ दुर्गा जी को समर्पित है। यहाँ पर दुर्गा माँ की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इस मंदिर में प्राचीन प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आप जो भी मनोकामना मांगोगे वहाँ पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर गार्डन भी बना हुआ है, जहाँ पर आप शांति से आकर बैठ सकते हैं।
श्री विराटेश्वरी धाम शहडोल। यहाँ शहडोल शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। इस मंदिर का डिजाइन बहुत सुंदर है। प्रवेश द्वार बहुत आकर्षक लगता है। मंदिर के अंदर शिव भगवान जी का शिवलिंग विराजमान है। मंदिर के अंदर और भी प्रतिमाएं के दर्शन आपको करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत सुंदर प्रतिमा आपको देखने को लिए मिलती है। इस मंदिर में हनुमान जी की बहुत सुंदर प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर गणेश जी की भी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। टैगोर गार्डन शहडोल। यहाँ शहडोल शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ एक सुंदर गार्डन है। यह गार्डन शहडोल में नगर पालिका के पास में स्थित है। इस गार्डन में एंट्री फीस नहीं लगती है। इस गार्डन में एक बड़ा सा फव्वारा देखने को मिलता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। इस गार्डन में कोई भी घूमने के लिए जा सकता है। यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं जिसमें बच्चे लोग एंजॉय कर सकते हैं। बांधसागर बांध शहडोल। यहाँ शहडोल शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह बांध शहडोल जिले के देवलोन गांव में स्थित है। बांधसागर बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह बांध सोन नदी पर बना हुआ है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। इस बांध से सिंचाई एवं जल विद्युत पैदा की जाती है। यह बांध रीवा शहडोल रोड में स्थित है। यह बांध रीवा से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बांध का दृश्य बहुत सुंदर रहता है। इस बांध में 18 गेट है। बरसात के समय जब यह गेट खोले जाते हैं इसका दृश्य बहुत ही सुंदर रहता है। आप यहाँ पर शाम के समय आ सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत रहता है। क्षीर सागर शहडोल। यह शहडोल शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर मुन्ना नदी और सोन नदी का संगम हुआ है। यह जगह बहुत सुंदर है। यह जगह जंगल के बीच में स्थित है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र और घना जंगल, ग्रेनाइट चट्टानें, बहुत सारी जगह देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा जलप्रपात भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ जगह शहडोल से दूर शहडोल वन क्षेत्र में के अंदर स्थित है। आप यहाँ पर फरवरी और अक्टूबर के समय आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। केलमानिया घाट शहडोल। यहाँ शहडोल शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ घाट आपको केवलारी से शहडोल जाते समय देखने के लिए मिलता है। यह घाट बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको एक सुंदर जलाशय, चट्टानी, पहाड़ियाँ और झरने भी देखने के लिए मिलते हैं। बरसात के समय यह जगह बहुत सुंदर लगती है। आप यहाँ पर आकर इसकी खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। लखवारिया गुफा शहडोल। यहाँ शहडोल शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर प्राचीन गुफाएं देखने के लिए मिलती है। यहाँ गुफाएं काले पत्थर से बनी हुई हैं। यह गुफाएं बहुत ही प्राचीन है। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आदि मानव रहा करते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गुफाएं पांडवों के द्वारा बनवाई गई थी। यह गुफाएं शहडोल जिले के कोइलाहा गांव में स्थित है। आप यहां पर आकर इन गुफाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर पास में ही आपको जलाशय भी देखने के लिए मिलता है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। पुरातत्व संग्रहालय शहडोल। यहां शहडोल शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहां पर बहुत सारी पुरानी मूर्तियों का संग्रह देखने के लिए मिलता है। यहां संग्रहालय शहडोल शहर के बीचों बीच स्थित है। यहां पर आपको बहुत सारी मूर्तियों का कलेक्शन देखने के लिए मिलता है। आप यहां पर आकर घूम सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी शहडोल शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।